तो मेरे ख्याल में जो है रोहित शर्मा इज अ गुड कैप्टन एंड गुड बैट्समैन एज वेल इन द वर्ल्ड। अपनी कैप्टनसी ऑफ विराट कोहली, नो डाउट के वो बड़ा प्लेयर था, है और रहेगा। इसी तरह उन्होंने 12 सीरीज जो सी जीती हैं वो यानी कि अच्छी कप्तानी से ही जीती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख खानी और वाचिंग लाहौरी फाइट स्पीक्स। गाइज, रोहित शर्मा को कौन नहीं जानता, ही इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम एंड कंजेकटिवली T20 सीरीज जैसे कि अभी ओवर हुई है, ही हैज़ वॉन 12 कंजेकटिव मैचेस बैक टू बैक, उनकी विनिंग स्ट्रीक रही है। सो मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ स्पेशली क्रिकेट लवर्स के पास, क्रिकेट ग्राउंड में ही मौजूद हूँ, तो मैं इनसे चल के पूछने वाली हूँ कि रोहित शर्मा कितने अच्छे बैट्समैन हैं। ऑब्वियसली वी ऑल नो, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो हाउ गुड अ बैट्समैन ही इज़, हाउ गुड अ प्लेयर ही इज़ एंड हाउ गुड अ कैप्टन ही इज़। स्पेशली मेरा ये क्वेश्चन है कि उन्होंने कंजेक्टिवली 12 मैचेस जीते हैं एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज वेल, तो चल के इनसे पूछते हैं और इनके रिएक्शंस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है, क्या करते हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला हाशमी मेरा नाम है और मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कश्मीर प्रीमियर लीग खेल रहा हूँ और मैं इस वक्त सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, सेंट्रल पंजाब की तरफ से टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस, गुड लक फॉर योर फ्यूचर एज वेल। अच्छा, हम सबको पता है कि मैचेस जहाँ देखे मैचेस हो रहे हैं, PSL खत्म हुआ है और T20 सीरीज खत्म हुई है, तो मेरा स्पेसिफिक ये क्वेश्चन है कि रोहित शर्मा, एज वी ऑल नो ही इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, बहुत अच्छे कैप्टन है, मैं अभी आपका रिएक्शन भी लूँगी, तो ही हैज़ वॉन कंजेकटिवली 12 मैचेस, ठीक है, उनकी विनिंग स्ट्रीक रही है, तो मैं आपका रिएक्शन यहाँ पे जानना चाहती हूँ, हाउ गुड अ बैट्समैन, हाउ गुड अ प्लेयर और हाउ गुड अ कैप्टन ही इज़। जी जी, रोहित शर्मा एक बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, जैसे कि आप जानती हैं, जैसे ये इनिशियली टीम में आया था इसको 6वें और 7वें नंबर पे बैटिंग दी जाती थी, वहाँ से इसने इसको कीपर किया और बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस करते करते आज वो वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन है। उसने अपनी बैटिंग से दिखाया, बैटिंग के साथ साथ अपनी कप्तानी के साथ उसके अंदर ऐसी एक महारत है, पेशावराना महारत है कि वो अपनी टीम को किसी वक्त किसी भी प्रेशर से, चाहे टीम बॉलिंग कर रही हो बैटिंग करती हो, उसे टीम को प्रेशर के अंदर से निकालना आता है। रोहित शर्मा एक यानी कि अच्छे कैप्टन भी है और अच्छे प्लेयर भी हैं। इसी तरह उन्होंने 12 सीरीज जो सी जीती हैं वो यानी कि अच्छी कप्तानी से ही जीती हैं, यानी कि उन्होंने एडजस्टमेंट कैसे की है प्लेयर्स की, किस तरह एडजस्ट करना, बॉलर को कहाँ पर एडजस्ट करना है, उन्होंने अच्छा किया। विराट कोहली भी अच्छे प्लेयर हैं, यानी कि अच्छा प्लेयर था, और साथ कैप्टन यानी कप्तानी उनसे नहीं हुई, कैप्टनसी वो इतनी अच्छी नहीं कर सके। नो डाउट ही इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, उसने जैसे आफ्टर T20 वर्ल्ड कप जैसे वो नीचे डाउन जाना चाहिए था, उसे परफॉर्मेंस के बाद उसने अपनी टीम को उठाया है, जैसे आफ्टर कैप्टनसी विराट कोहली, नो डाउट के वो बड़ा प्लेयर था, है और रहेगा। ना उन्होंने 12 सीरीज जीतनी और वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, रोहित शर्मा वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, इसी वजह से हमें चाहिए कि इनके वो वही कप्तान रहे वहाँ पर। इंडिया की जो पूरी टीम है, मैं समझता हूँ वो क्रिकेट प्रेशर में खेलती नहीं है, क्योंकि उनको ग्रोथ ही ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जो ग्राउंड में वो प्रेशर लेते ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो है रोहित शर्मा इज़ अ गुड कैप्टन एंड गुड बैट्समैन एज वेल इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसके बाद IPL भी स्टार्ट होने वाला है, तो IPL में आपको क्या नज़र आ रहा है, आप कितने एक्साइटेड हो उसके लिए? IPL एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया का, इंडियन प्रीमियर लीग, और बहुत ज़्यादा मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। देखें, हमने मुल्की लेवल पे इसको देखना, हमने इसको स्पोर्ट्स लेवल पे देखना, बिकॉज मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, तो एज ए स्पोर्ट्स मैन मेरी जो प्रेडिक्शन है इंडिया के लिए, इंडिया के पास एक बहुत अच्छा क्रिकेट के लिए स्ट्रक्चर है। IPL दरअसल इंडियन जो सी इंडियन की टीम है और उनका नीचे वाला स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है उनकी, यानी कि जैसे रणजी ट्रॉफी होगी नीचे, यानी कि इनकी नीचे से लीग्स बहुत अच्छी हैं, इसलिए उनकी यानी कि इंडियन की टीम जब निकलती है, प्लेयर्स निकलते हैं वो यानी कि अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं वहाँ से। IPL में प्लेयरों को चांस दिया जाता है, अच्छा मुआवजा दिया जाता है, और लोकल प्लेयर्स जो क्लब्स में खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं, IPL में उनको चांस दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में जो इंडियन प्रीमियर लीग है एक अच्छा इवेंट है इंडियन प्लेयर्स के लिए, और उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए भी अच्छे जो ना वो पैकेजेस मिलते हैं। और IPL भी एक इनकी यानी कि अच्छी लीग है, बहुत अच्छी लीग है, जिसमें से यानी कि लास्ट टाइम यानी कि शुभमन गिल निकले हैं और ऋषभ पंत निकला है, और इसी तरह अक्षर पटेल वगैरह तो पहले है थे लेकिन वहाँ से उन्होंने परफॉर्म किया, वो आगे खेले हैं। तो मैं यही जो ना हमारी गवर्नमेंट है और जो क्रिकेटर के ऊपर जो ना अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना वो इंडियन प्रीमियर लीग खेलें और इंडियन प्लेयर जो है ना वो PSL में खेलने चाहिए। एज ए क्रिकेट जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं आपको एज ए क्रिकेटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो वही है। थैंक यू सो मच, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू। थैंक यू।
सो गाइज, आपने सबके रिएक्शंस जाने हैं। रोहित शर्मा को इंडिया में ही पसंद किया जाता है, ये ट्रू नहीं है। रोहित शर्मा के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, एंड स्पेशली आपने जैसे कि अभी वीडियो में देख लिया है, रोहित शर्मा के यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं और वो हमेशा से ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी कैप्टनसी के बारे में, अबाउट हिज विनिंग स्ट्रीक, आपने सबके रिएक्शंस जाने हैं। मुझे आप लोग बताएं आपके क्या रिएक्शन इस बारे में। रोहित शर्मा ने जो विनिंग बैक टू बैक स्ट्रीक ली है, 12 मैचेस ही हैज़ प्लेड एंड ही हैज़ वॉन, सो दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस इंडिया, कंग्रेचुलेशंस रोहित शर्मा। आप मुझे बताएं आपकी क्या रिएक्शन है। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।